नीमच जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का फैसला मंगलवार को ईवीएम मशीन से हुआ। नीमच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार 14,857 वोट से विजयी रहे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार को हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार मनासा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू की 25,954 मतों से जीत हुई। मनासा में कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर को हार का सामना करना पड़ा। जावद में कांटे की टक्कर रही। जावद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार अहीर को हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेजा 4,271 मतों से विजयी रहे। इसलिए निश्चित रूप से जीत होना ही थी इतनी बड़ी, और ये पहले से तय था इतनी बड़ी जीत ही होगी। नीमच जिले में सबसे अधिक मौकों से आप जीते हो, इस बारे में क्या? नहीं, ये जीत तो तय थी ना। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को काम किए, किसानों को काम किए हैं, इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर और फिर मेरे को उम्मीदवार बनाया पार्टी ने, तो सब काम ठीक रहा। निश्चित रूप से जीत इतनी बड़ी होना ही थी। मैं जनता को नमन करता हूँ जिनके आशीर्वाद से विजयश्री मिली है। मैं जनता को इसलिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनने सभी बातों के आगे विकास को रखते हुए हमें सहयोग किया। कौन सी बातों के आगे, मतलब क्या? सभी टाइप की शक्तियाँ लगी थी। हर चीज़ का खुलासा करना ज़रूरी नहीं है, समझदार आदमी को इशारा बहुत होता है। धन्यवाद। चौथी बार बन गए हैं जी, तो चौथी बार आगे बन रहे हैं, और साथ ये जो स्थिति दिख रही है कि सरकार शायद भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई है। नहीं, बन भी सकती है, अभी इतनी जल्दी में आपकी बात पे विश्वास। कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पे बैठता है, जो पेंच प्रमुख था, जो हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, जो जिले के जिलाध्यक्ष जी हमारे, इन सब लोगों की मेहनत और परिश्रम की वजह से हमें ये जीत मिली है। और मैं उन मतदाताओं को भी धन्यवाद दूंगा जिनने विपरीत परिस्थिति में भी मुझे अच्छे वोट दिए हैं और विजयश्री दिलवाई है। चुनाव अच्छे रहेंगे, परिणाम भी अच्छे हैं, विकास भी अच्छा तेज गति से होगा, और मुझे आत्मविश्वास है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सरकार बनाएंगे।